वेलकम बैक। यस बैंक ने फिर से डिवेल्यूशन अनाउंस किए हैं अपने क्रेडिट कार्डों पर। क्या क्या डिवेल्यूशन हुआ है, कुछ डिवेल्यूशन 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे और पूरी जानकारी दूंगा क्या क्या डिवेल्यूशन हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ अब तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। पहला जो डिवेल्यूशन हुआ है वो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को लेकर हुआ है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यूज करने के लिए मार्केट क्रेडिट कार्ड रिजर्व क्रेडिट कार्ड से आपको एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड करना होगा, तभी आप अपने ये जो लॉन्च एक्सेस आपको मिलेंगे उनको यूज कर पाएंगे। और यस फर्स्ट बिजनेस और यस फर्स्ट प्रेफर क्रेडिट कार्ड पर लॉन्च एक्सेस यूज करने के लिए आपको मिनिमम 75,000 रुपए एक क्वार्टर में स्पेंड करने होंगे, तब जाके आप अपना लॉन्च यूज कर पाएंगे। इलीट सेलेक्ट BYOC क्रेडिट कार्ड, वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड, यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस क्रेडिट कार्ड के लॉन्च यूज करने के लिए मिनिमम एक क्वार्टर में आपको 50,000 रुपए स्पेंड करने होंगे, तभी आप इनके लॉन्च एक्सेस को यूज कर पाएंगे। ये होगा 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल यस बैंक के इन सभी क्रेडिट कार्डों पर। दूसरा जो डिवेल्यूशन हुआ है जो 1 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा, होटल या फ्लाइट की बुकिंग अगर आप यस बैंक के रिवार्ड से करते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है होटल बुकिंग की और या फिर फ्लाइट बुकिंग की, उसका 70% ही आप अपने रिवार्ड पॉइंटों से पे कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने यस बैंक के क्रेडिट कार्डों पर जो रिवार्ड पॉइंट अर्न किए हैं उनके रिडम्पशन पर भी कैपिंग लगा दी गई है। मार्की क्रेडिट कार्ड पर 1 महीने में हाईएस्ट आप 3 लाख रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम करा सकते हैं। रिजर्व क्रेडिट कार्ड पर 1 महीने में हाईएस्ट आप 2 लाख रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम करा सकते हैं। और अदर सभी यस बैंक के क्रेडिट कार्डों पर 1 महीने में हाईएस्ट 1 लाख रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम करा पाएंगे। अदर सभी यस बैंक के क्रेडिट कार्डों पर 1 महीने में हाईएस्ट आप 1 लाख रिवार्ड पॉइंट ही रिडीम करा पाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेज भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर जिन जिन क्रेडिट कार्डों पर नाम दे दिया है उन सभी क्रेडिट कार्डों पर फाइनेंशियल चार्जेज इंक्रीज हुए हैं। इन सभी क्रेडिट कार्ड पर आपको 3.99% मंथली और 47.88% आपको ईयरली चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो। यस बैंक के क्रेडिट कार्डों पर ये 3 डिवेल्यूशन अनाउंस हुए हैं जो कि एक एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से, बाकी 2 एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 दिसंबर 2024 से। इनसे आपको क्या फर्क पड़ा है कमेंट करके जरूर बताना। फिर से आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।